हाई एवरी वन वेलकम बैक टू पाथ फाइंडर माई नेम इज निधि आई होप यू आल आर डूंग एब्सोल्यूटली गुड दोस्तों वी आर दी वर्ल्ड लार्जेस्ट बिगेस्ट डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का एक सबसे महत्वपूर्ण फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन राइट उसको इंश्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे रूल्स हैं रेगुलेशन हैं जिनको फॉलो किया जाता है इलेक्शन कमीशन बहुत सारी चीज़ों को मैंडेट करती है राइट यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में वो ये है कि दे शुड नॉट बी बोगस वोट्स कोई फर्जी वोट्स नहीं डलनी चाहिए ये इंश्योर करना कि भाई जो व्यक्ति वोट डालने आया है वो एक्चुअली सही बंदा है उसका वोटर आईडी कार्ड चेक किया जाता है उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जा सकता है ठीक है ऐसे में हाल ही में हैदराबाद में एक पूरा बवाल मचा तो यहाँ पर हुआ क्या है यहाँ पर माधवी लाठा जो कि बीजेपी की कैंडिडेट हैं उन, उन्होंने क्या किया कि जो वोटिंग करने मुस्लिम महिलाएं आई उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए उनका बुरका ऊपर करवाया मतलब उनका फेस देखा जिसके बाद ये पूरा का पूरा बवाल मच गया और माधवी लाठा पर एफ भी हो गई है यहाँ आज के सेशन में डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट क्योंकि पिछले हफ्ते का इंसिडेंट है मंडे को ये हुआ था पूरा मंडे को वीडियो सामने आई थी इलेक्शन के बाद लेकिन एग्जैक्टली exactly जो हम बात करने वाले हैं वी आर टू टॉक अबाउट दी प्रोटोकॉल और व्हाट ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो हैंडबुक है इस संबंध में उसके अनुसार नियम क्या है क्या वेरीफाई ऐसे किया जा सकता है क्या कौन वेरीफाई करता है एंड ऑल दीज थिंग्स ठीक है तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट फ्रॉम हैदराबाद के माधवी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू कर दी जब एक वीडियो इमर्ज हुआ जहां पर शी शिव सीन चेकिंग आइडेंटिटी कार्ड्स ऑफ बुरका क्लैड बुर्क मुस्लिम वेमेन जो कि पोलिंग बूथ पर आई थी अपना वोट डालने बिकॉज शी आज टू लिफ्ट और रिमूव दे वेल मतलब उनका घूंघट या मतलब जो उनका बुरका है उसको उठाने के लिए उन्होंने बोला जिसके बाद इन पर एक केस भी रजिस्टर किया जा चुका है ना बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स नो अबाउट अब माधलाटा एक इंडियन एक्ट्रेस है और पॉलिटिशियन है जो कि काफी सारी तेलुगु और तमिल फिल्मों में आई हैं उन्होंने अपना डेब्यू एज अ फीमेल लीड दो की फिल्म नाचू विले से किया था दो हज़ार की फिल्म से किया था फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल हुई थी और काफी सारे इसने अवार्ड्स भी जीते थे 2018 में शी जॉइन बीजेपी और उसके बाद उन्होंने कंटेस्ट किया था फ्रॉम गंतूर वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 2019 आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ठीक है ना यहाँ पर उनके अगेंस्ट जो एफ रजिस्टर की गई है वो कौन सी धाराओं के अंतर्गत की गई है ये भी जान लेते हैं तो हैदराबाद पुलिस ने उनके अगेंस्ट जो एफ रजिस्टर की है अंडर दी आई सेक्शंस वन सी pertaining to undue influence at the election, undue influence करने के लिए elections में obstructing a public servant section 186, intent to incite 505 section clause 1 clause c IPC का इन धाराओं मतलब आप एक तरह से भड़का रहे हैं चीजों को है ना इसके अलावा section 132 of the Representation of People Act 1951 misconduct at the polling station इन सभी धाराओं के अंतर्गत इनके अगेंस्ट FIR दर्ज की जा चुकी है इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स डी अन अकाडम की अगर मैं बात करूँ रिजल्ट्स की स्पेसिफिकली तो अन अडमी लर्नर शाइन इन ट्वेंटी रिजल्ट ऑल्सो जहाँ पर तीन से ज्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है uh, जो कि किसी ना किसी रूप में अन अकेडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे दोस्तों विद द हेल्प ऑफ अकेडमी आई एस एडवांटेज जहां पर आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं लाइक कॉम्प्रेन्सिव जी एस कवरेज डेडिकेटेड सी सैट ऐसे राइटिंग थ्री सिक्सटी डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी सॉर्टेड है मिनटॉनशिप विद यू नो रेगुलर इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स एटसेकट्रा एट्सेट्रा कैसे मिलता है विद द हेल्प ऑफ दी कोर्स दैट आर अवेलेबल एट अर ऑफलाइन सेंटर्स हमारे ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है वहीं एक सेंटर हमारा यूपी प्रयागराज में भी है जहाँ पर ना केवल आपको यू की तैयारी करने का मौका मिलेगा बल्कि यू की तैयारी भी आप कर सकते हैं प्रयागराज सेंटर में विद इंडिया स्टॉप एजुकेटर्स एट ग्रेट डिस्काउंट्स जो हमारे कोर्सेज हैं बाईस मई से यहाँ पर शुरू हो रहे हैं बाकी सभी सेंटर्स की जानकारी एड्रेसेस फ़ोन नंबर्स सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गो चेक इट आउट नाउ इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी क्वेरी साथ साथ अबाउट इंडियाज़ बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट जहाँ पर आपको स्कॉलरशिप और गिफ्ट्स मिलते हैं फ्रॉम अ पूल ऑफ वन करोड़ रुपी ये नाइनटीन मे को होने वाला है डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं जाकर एनरोल कर, कर लीजिए इसके लिए सुबह नौ बजे से शुरू हो जाएगा एंड यू कैन विन दिस प्राइजेस की चलो अब यहाँ पर बात करते हैं वोटर्स की जो अपना फेस कवर करते हैं स्पेसिफिकली दी फीमेल्स इन इंडिया अभी ऐसा मुद्दा है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब फेस कवरिंग जो है काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिसाइज हुआ है रिसेंटली है ना महिलाएं जो घूंघट पहनती हैं नकाब पहनती हैं उनको हमेशा दे हैव ऑलवेज वोटेड इन इंडिया इलेक्शन ऐसा नहीं कि कोई वोट नहीं किया हमेशा से वोट किया ही है और ये पार्ट ऑफ आर कल्चर ट्रेडिशन भी है हमारे यहाँ भी महिलाएं घूंघट पहनती हैं या मुर्खा पहनती हैं नकाब पहनती हैं यहाँ सो यहाँ बिफोर द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन इन 1951-52 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत मेहनत की थी इंश्योर करने के लिए कि देश की महिलाएं भी फुल पार्टिसिपेंट्स बने भारत के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो भी पार्टिसिपेट करें वो भी वोट करें क्योंकि वो समय ऐसा था जब बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अपना नाम एनरोल कराने से रिफ्यूज ही कर देती थी मनाई कर देती थी और बोलती थी कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए इन रिलेशन टू द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली इट वॉज नॉट लाइक टू दैट यू हैव योर ओन आइडेंटिटी एंड थिंग्स लाइक दैट अर्यरियर वट यूज टू हैपन आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और दरअ ग्रैंड पेरेंट्स दे वुड बी नो विल बी टेलिंग यू द स्टोरीज दैट टाइम कि वहाँ पर फीमेल्स ऐसे करती थी कि Uh, उसकी मदर उसकी वाइफ इस तरह से आप उनको आइडेंटिफाई करो दे डिड नॉट हैव दे ओन आइडेंटिफी आइडेंटिटी लाइक दैट अ लॉट ऑफ देम, ई कैन नॉट ऑल दिस इज नॉट जनरल देयर बट हाँ देर वॉज अ बिग नंबर जहाँ पर महिलाएं अपने आप को आइडेंटिफाई करती थी एज दी वाइफ ऑफ समबडी एज मदर ऑफ समबडी ठीक है इन द रिलेशन टू द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली नाउ बहुत सारे एफर्ट्स के बाद कैंपेन्स के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अब जो है नंबर ऑफ फीमेल्स कमिंग आउट एंड वोटिंग ऑन वोटर्स लिस्ट बढ़ गया है टुडे विमेन अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट फोर्टी नाइन परसेंट ऑफ द इलेक्टोरेट नाउ क्या एक महिला को आइडेंटिफाई किया जा सकता है बुरका में किस तरह से किया जाएगा अब देखो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर हमारे यहाँ फेयर एंड फ्री इलेक्शन इंश्योर करने के लिए बोगस वोट को रोकना जरूरी है ये पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति वोट डालने आया है वो जेन्युन व्यक्ति है वही व्यक्ति है तो ऐसे में जो महिलाएं घूंघट में है या बुरका में है उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा तो यहाँ <coughs> ये इंश्योर करने की ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तो ऐसे में जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको वेरीफाई करना होता है वोटर्स की अपेयरेंस को अगेंस्ट फोटो ऑन दोटर आई डी कार्ड इफ नीडेड अगर उनको लगता है तो वो आपकी फोटो आई कार्ड से आपके अपेयरेंस को वेरीफाई कर सकते हैं नाउ ये हो साथ में जो महिला वोटर है उसकी प्रिवेसी भी प्रोटेक्ट की जाए वो महिला वोटर जो घूंघट में है बुरका में है निकाब में है इलेक्शन कमीशन इशू करता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर रिटर्निंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पोलिंग स्टेशन ठीक है ना यहाँ पर ई की हैंडबुक क्या कहती है रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए तो यहाँ कोर्ट अनकोर्ट यहाँ पर बेसिकली जब इस तरह का पोलिंग स्टेशन सेटअप किया जाता है एक्सक्लूसिवली फॉर फीमेल वोटर्स या फिर जहाँ पर नंबर ऑफ़ फीमेल वोटर्स जो है वो ज़्यादा हैं स्पेशली जो पर्दा नशीन वमेन है वो ज़्यादा नंबर में है मतलब जो बुरका पहनते हैं या फिर जो घूंघट पहनने वाली महिलाएं ऐसी जगह दिखती है पता लग जाता है कॉन्स्टिट्यूंसी में तो ऐसे में यहाँ पर देखी जाती है अवेलेबिलिटी ऑफ अ फीमेल पोलिंग पर्सनल जो जो कि एग्जामिन की जाएगी फॉर अपॉइंटिंग प्रिसाइडिंग एंड पोलिंग ऑफिसर्स इन दैट पोलिंग स्टेशन तो ऐसे में यहां पर या तो एक्सक्लूसिव पोलिंग स्टेशन लगाए जाएंगे और फीमेल वोटर्स या फिर ये इंश्योर किया जाएगा कि वहां पर कम से कम एक लेडी पोलिंग ऑफिसर होनी चाहिए जो कि फैसिलिटेट करेगी और आइडेंटिफाई करेगी वुमेन इलेक्टर्स को यहाँ पर ना ये जो एक्शन लिया गया है आदमी लिया गया है देखो सिंपल है इलेक्शन कमीशन की हैंडबुक कहती है कि पोलिंग ऑफिसर होनी चाहिए महिला जो ये चेक करेगी जो ये इंश्योर करेगी तो ऑब्वियसली इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द कैंडिडेट या किसी पोलिंग एजेंट की ड्यूटी नहीं है टू वेरीफाई द आइडेंटिटी दिस इज वेयर शी वेंट रॉन्ग तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट जो है टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ वोटर्स दिस लाइज विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉट द कंटेस्टिंग कैंडिडेट यहाँ पर माधवी राठा बींग कंटेस्टिंग कैंडिडेट वो ऐसा कर रही है यहां उन पर इंटरप्शन का आरोप लग गया है दिस इज वाई एन एफ आई आर हैज बिन रजिस्टर्ड अगेंस्ट ह ठीक है ना इसके बाद ये जो माधवी लाठा का जो पूरा एक्शन है जहाँ पर शी आज फॉर द आइडेंटिटी और उन्होंने कहा कि भाई अपना बुरगा हटाइए शी वॉन्टेड टू चेक दी आइडेंटिटी ऑफ द वोटर्स इसको इंटरफेरेंस की तरह दिख दिया लिया जा रहा है और इसीलिए ई के कहने पर शी हैज़ बीन बुकड बाय दी पुलिस इनके अगेंस्ट एफ आई आर दर्ज की गई हैं तो आई होप अब आपको ये समझ में आया हो कि एक्चुअली इनके अगेंस्ट एफ आई आर क्यों हुई है इट इज़ नथिंग टू डू विथ एनीथिंग एल्स इट इज़ बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है भाई इट इज द्स बॉडी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया ठीक है ना उसकी जिम्मेदारी है उसकी जो रूल बुक्स है उसके अकॉर्डिंग चलना होता है आप खुद से नहीं कुछ बना सकते खुद से नई चीजें ला सकते हैं और अगर आप ऐसा कर रहे हैं डिस्पाइड बींग देंडिडेट ऑफ पार्टी यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी वॉट इजन इन दिस पर्टिकुलर केस आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड Uh, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दैट विल बी ऑल थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिफोर यू वाइंड अप थैंक यू सो मच बाय बाय